लड़कियों चलो उठो, काम इंतजार नहीं करता। हाँ, मैं थक चुकी हूँ तुमसे, तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो। नया दिन, फिर से हमें जाकर लूजर्स को बुलाना पड़ेगा। लड़कियों आज हमें बहुत कुछ करना है, ये बहुत डरावना है। ठीक है लड़कियों, चलो उठो अभी जल्दी। डायना, क्या हुआ याना? हाँ डायना, कुछ भी नहीं। लड़कियों तुम लोग मेरी तरफ से इतने अजीब तरीके से क्यों देख रही हो, क्या हुआ है? डायना, क्या है ये? लड़कियों तुम्हारा मतलब क्या है, क्या हुआ है मेरे साथ? ओफो, ओफो स्माइल, ओ मैंने पूछा है। हाँ लड़कियों, अब सब लोग डायना को कैंप में देखेंगे। हाँ, और सब लोग बातें करेंगे। देखो डायना के पास हिक्की है, हिक्की। ओफो, इसमें डायना की कोई भी गलती नहीं है, वो स्माइल बहुत ही बदतमीज है, बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसा लड़के जानबूझ के करते हैं ताकि गर्व से बात कर सके इसको लेकर। हाँ, अपना सर ऊपर करके जैसे कि वो सबसे शानदार है। तुम्हें पता है लड़कियों, मैं हैरान हूँ लड़कों से, तुम्हें पता है वो कहीं भी हिक्की कर सकते हैं। याना, क्या तुमने खुद के लिए हिक्की बनाने का तय कर लिया? नहीं लड़कियों, मैं तुम्हें बस दिखाना चाहती थी कि ऐसे बनाया जाता है। याना, हमें भी पता है। ओफो लड़कियों, रास्ते में तो मेरे बिना जा सकती हो कैंप में, क्योंकि मैं नहीं दिखना चाहती हूँ, वरना लोग मेरे बारे में पूछेंगे तुमसे। डायना, तुम्हारा मतलब क्या है तुम्हारे बिना? हाँ डायना, मैं सच कह रही हूँ। डायना, एक स्कार्फ बांध लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डायना, बस स्माइल को मना कर देना कि फिर से ऐसा ना करे। स्माइल के एक्स ने मुझे बताया कि उसने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। हाँ बिल्कुल ठीक है लड़कियों, इस बार तो मैं इसे किसी तरीके से छुपा लूंगी, लेकिन मैं नहीं देखना चाहती हूँ इसे। वैसे हाँ डायना, अपने बाल से बेहतर तरीका है ढक, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि तुम स्माइल को कह दो ऐसा ना करे। डायना, बदले में इतने सारे हिक्के उसे देती कि कोई स्कार्फ उसे बचा नहीं पाता, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। ठीक है लड़कियों, अब मेरी सब हिक्की के बारे में बात करना बंद करो, काम पे लग जाओ सारे, चलो। गीगी, सुबह हो गई, उठ जाओ। गीगी क्या कर रही हो, उठ जाओ अब, सुबह हो गई। गीगी जल्दी उठो, गीगी उठो। लड़कियों क्या क्या तुमने अभी तक गीगी को नहीं उठाया? क्या वो दोपहर तक सोने वाली है? ये बहुत बुरी बात है। वो बहुत जिद्दी है, वो उठ नहीं रही है, मुझे पता है, वो मुझे सुन रही है। गीगी, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो, जल्दी उठो तुम। गीगी उठ जाओ जल्दी, गीगी वरना पात्रिक पूल में तैरेगा, चीयर लीडर्स के साथ तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? चीयर लीडर्स किधर है? गीगी उठो, चीयरलीडर्स कहाँ है? गीगी हमें कैसे पता होगा कि चीयरलीडर्स कहाँ है? मैं नहीं उठ सकती हूँ। गीगी क्यों, चलो बाहर चलते हैं, वहाँ पर लड़के हैं, हमने नाश्ता नहीं किया, चलो उठ जाओ जल्दी। गीगी जल्दी से उठ जाओ। वैसे लड़कियों, मैंने एक सपना देखा, मैं टॉयलेट जाना चाहती थी तो ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते ढूंढ ही रही थी, फिर और ढूंढा। गीगी क्या तुमने बिस्तर पे? गीगी, चीयरलीडर्स तुम्हें मार डालेगी। लड़कियों क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चीजें सही है वैसे लड़कियों, प्यार इकट्ठा करती हूँ जो कि कैंडी रैपर्स हैं। अभी मेरे पास पहले से ही 4 चीजें हैं। और किसके पास है ये कैंडी रैपर्स? मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें चॉकलेट्स और एक बन दूंगी। सुनो गीगी, अभी चलो, मैं तुम्हें कैंडी का एक पूरा पैकेट खरीद के दूंगी, और बदले में तुम मेरा जीन्स और टी शर्ट साफ कर देना। ओहो गीगी, क्या तुमने सुबह सुबह हमारे साथ मजाक करने का तय किया है? गीगी अगर तुमने टॉयलेट किया होता तो मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल देती। ठीक है लड़की, और कौन है हम? लड़की। क्या तुम हमारी मांगे पूरी करने के लिए तैयार हो? हाँ बताओ हमें। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, तुम लोग जूली के अलावा कुछ भी मांग सकते हो मुझसे। तुम जूली के बिना जाना चाहते थे ना, तो चले जाओ, वहाँ पे सड़ा हुआ एप्रिकॉट पड़ा हुआ है, वो खा लेना। हाँ कीड़े के साथ। कैसे हो तुम लोग, सड़ा हुआ एप्रिकॉट कौन खाएगा? ठीक है मैं खा लूंगा, जब तुम लोग कहोगे मैं इधर आऊंगा, ठीक है मैं सोचूंगा। अर्थियम क्या होगा अगर उसने कुछ डरावना कह दिया तो? क्या मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, सबसे जरूरी बात ये है कि उसने सड़ा हुआ एप्रिकॉट खा लिया। ये देखो सड़ा हुआ मिल गया मुझे कीड़े के साथ। हाँ और इसमें बहुत सारे कीड़े भी चल रहे हैं। ऐसे खड़े क्यों हो तुम, खा लो ये स्वादिष्ट होगा। चलो ठीक है मैं भी बदला लूंगा। वैसे बहुत ही टेस्टी है ये। देखो मैंने डायना से कहा था कि तुम बदल जाओ, उसने कहा कि मैं बदल जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बदलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सही कहा। ओ तो मैं आज याना को हिक्की दूंगा। दोस्तों मैं भी लैला को हिक्की दूंगा, बस अलग अलग जगह दूंगा ताकि उसे समझ ना आए। हाँ स्माइल, तुमने डायना को कहाँ पे हिक्की दी? गर्दन पे। हाँ तो फिर मैं अपने हाथ में रखूंगा। दोस्तों फिर मैं अपने पाँव पे क्या रखूं? छोटी उंगली पे। ओहो वो लूजर्स वहाँ क्या कर रहे हैं? वो लोग वो जरूर कुकीज के साथ खेल रहे होंगे। चलो क्यों लूजर्स, यहाँ पर क्या चल रहा है? खेल रहे हो तुम यहाँ पे? अर्थम ये तुम्हारी तरफ आया है, हम लोग यहाँ पर बॉटल से खेल रहे हैं। क्या दूसरा बॉटल?
चलो बात यह है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने को, चलो जल्दी से काम शुरू करो। ठीक है जाते हैं। ठीक है अर्त्यम, अगली बार तुम हमारे लिए विश करना। हे, रुक जाओ, तुम लोगों ने गलत किया। तुम्हारे कहने पे मैंने सड़ा हुआ वो खाया था, लेकिन तुम लोग यहाँ से चले जा रहे हो, ये गलत बात है। क्या तुमने सुना? बच्चों पहले पूल साफ करो फिर अपनी मांगे पूरी करो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरी मांगे पूरी करोगे, समझे ना? समझ गया। ब्रॉस तुम मजबूत हो, तुमने उन्हें एक बार में ही समझा दिया। बिल्कुल उन्हें समझ आ गया। लूजर जल्दी जाओ, चलो। तो दोस्तों चलो चलते हैं। देखा कैसे जल्दी भागे ये लोग। वो काम करते जाएंगे और करते जाएंगे। तो लड़को बताओ क्या तुम वो करने वाले हो? हाँ हाँ, मैं याना के हाथ से इतनी बड़ी सी हाइक दूंगा, देख लेना। ब्रॉस बड़ा चढ़ा के मत बोलो। अकेला फुटबॉलर? हाँ ये खरगोश है। खिलौना? दोस्तों मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ लड़कों की तरह? सही में? तो लड़कों देखो ये मजाक करने की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। कल एक लड़की आ रही है कैंप में, वो बहुत ही शानदार और सुंदर है। देखा तुम लोगों ने क्या कहा इस हेलमेट वाले ने? कैसी बात कर रहे हो? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, वो आने वाली है कैंप में। क्या तुम्हारे पास बेबी गर्ल है? तुमने हमें उसके बारे में बताया क्यों नहीं? क्यों, वो शानदार है? हाँ हाँ बहुत शानदार। बास्केटबॉल प्लेयर्स उसे मारने की कोशिश मत करना, समझे ना तुम लोग? समझ में आया? हाँ, समझ में। क्या तुमने उसके लिए खरगोश तैयार किया है? हाँ यही है हमारी बेबी गर्ल। बेहतर होगा कि तुम मुझसे पंगा मत लेना, उस लड़की के साथ मैं अकेले रहूंगा और अकेले खेलूंगा। ये हेलमेट वाला मुझे लगता है पागल हो गया है। देखते हैं किस तरह के दोस्त इनके पास आते हैं। वैसे वो खूबसूरत नहीं है। ठीक है लड़कियों सुनो, आज फिर से हमारी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो सभी ध्यान दो कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, वजन घटाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे चीयर लीडर्स ट्रेनिंग असल में सही है, हमें कोई अच्छा ग्रुप मिल जाए और हम पार्टी का आयोजन करें। हाँ वरना हम सोएंगे खाएंगे और स्पोर्ट्स खेलेंगे बस। हाँ और टेडी और बोनी के बाद में हम उनके लिए सरप्राइज छुपा कर रख देंगे। ठीक है क्नोपा, तुम अच्छे से बर्ताव करो, तुम्हें नहीं बोला गया है ओपी पतली वाली भी। वैसे लड़कियों कल तुम्हारे लिए कुछ नया है। हाँ और एक नई लड़की आने वाली है और वो तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहेगी। और हाँ लड़कियों और आगे के लिए अपने लड़कों को अपने पास पकड़े रखो क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है। ठीक है और उसे पसंद है दूसरियों के लड़के। हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं हम उसकी जरूरत है, समझी? सुनो लड़कियों मुझे अभी से ही नई लड़की पसंद नहीं है। सुनो लड़कियों क्या होगा अगर वो हमसे ज्यादा खूबसूरत हुई? तो कोई भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता क्योंकि हम है लड़की लड़की। ठीक है बस हो गया लड़कियों, अब ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाला है। डायना 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 की गर्दन पर एक की है। मोर्शिया है कि क्यों नहीं हो सकता है, शायद मच्छर ने काटा होगा। लड़कियों क्या हम बेवकूफ हैं या हम लड़कों को डेट नहीं कर रहे हैं? और तो नियम के हिसाब से सिर्फ किस करना चाहिए ना, ना कि हिक्की छोड़नी चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ, उन्होंने देख लिया है? ठीक है ठीक है चलो। हाँ तो लड़के चलो शुरू करते हैं अपने ट्रेनिंग। क्यों मुझे तो जलन हो रही है। डायना के पास हिक्की है लेकिन मेरे पास नहीं है। पादरी को कह दो एक देने के लिए। सही में लड़कियों ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। चलो ट्रेनिंग के बाद हम अपने लड़कों के पास जाते हैं और उन्हें बता देंगे उनके बारे में। ठीक है ना? तो जो लड़कियों हिक्की बदसूरत है और बकवास भी। फालतू चीज। नो फिर से। एक दो तीन चार पाँच। गिगी ये तुम गलत कर रही हो, ये सही है। छह सात। डायना डायना क्या ये तुम्हारी हिक्की है? ओ सुनो गिगी, तुम्हें चीयरलीडर से कोई भी टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं पूछने चाहिए, समझ गई? डायना तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं बस खुद को भी एक हिक्की देना चाहती हूँ लेकिन बेहतर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। गिगी तो वो तुम्हें बताएगी। बेहतर होगा कि ट्रेनिंग करो तुम। ओफो लड़कियों पूरे कैंप में मेरी हिक्की के बारे में सबको पता चल जाएगा, सब बता देगी ये लोग। डायना मैंने तुम्हें कहा था कि इसे स्कार्फ से ढक लो तुम, समझ गई ना? सुनती ही नहीं हो। सात। तुम्हें पता है क्या लड़कियों, मुझे एक हिक्की और चाहिए यहाँ पर और मुझे दो चाहिए यहाँ यहाँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा कुकु मुझे सबसे बड़ी हिक्की दे यहाँ पर। लड़कियों मैं थक चुकी हूँ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, फ्लर्टी लड़कियों के पास हिक्की नहीं होनी चाहिए। सिक्स सेवन एट। लड़कियों ये बहुत ही कमजोर है, बहुत ज्यादा। लड़कियों तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार होगी। लड़कियों बस डेढ़ महीने बचे हैं गर्मी खत्म होने में। लड़कियों तुम्हें पता है कि हम टीम में से एक चीयर लीडर को चुनने वाले हैं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है शेप में आने का, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे तो अभी हिक्की चाहिए। गिगी तुम्हें हिक्की के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। गिगी हम फ्लर्टी लड़कियां, हमारे पास हिक्की नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन डायना के पास तो है ना? डायना बदकिस्मत है, उसका बॉयफ्रेंड बेवकूफ है, मैं क्या करूं? बस हो गया लड़कियों, आज के लिए ट्रेनिंग खत्म। ओह डेढ़ महीने फिर से स्कूल शुरू। मेरा पादरी कहाँ है? मुझे एक हिक्की चाहिए। गिगी। ओ स्माइल कैसे हो?
लड़कियों, हम मुश्किल से तुम्हें देख पाते इस काम के दौरान। लैला जो गले लग जाओ। बताओ मुझे, क्या तुम जरा सा भी नॉर्मल हो? मैंने क्या किया है? तुम लोग मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? शायद उसने गले थिक्की दे दी। वैसे कहाँ पे है हाइक, मुझे तो नहीं दिख रहा। स्माइल तुम कैसे हो? तुम बहुत ही बकवास लड़के हो। पूरे कैंप में मेरी हिक्की के बारे में सबको पता चल चुका है। ये बहुत ही घटिया हरकत है तुम्हारी, समझ गए? स्माइल तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? स्माइल क्या तुम वैम्पायर हो? हाँ ताकत। ओह हाइकी सही में सुंदर है। ऐसा किया भी कैसे? स्माइल तुम्हें पता है इसके बाद में मेरे पीछे पड़ने की जरूरत भी नहीं है। है तुम्हारी त्वचा ही ऐसी है तो कोई क्या करेगा? डायना शायद तुम्हारी नसें कमजोर है। मेरी त्वचा के ऊपर हिक्की जरा भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। याना क्या तुम्हें मैं हाइकी दे सकता हूँ? नहीं ब्रवास्की नहीं। याना तो क्या मैं तुम्हें हाइकी नहीं दे सकता हूँ? लैला क्या मैं तुम्हारे टांग पे हिक्की दे सकता हूँ? जैसे तुम गिरोगे और किसी को दिखेगा भी नहीं। मैं इस तरह से तुम्हारे पास आऊंगी कि अपने हाथ से हिक्की दूंगी तुम्हें। शांत। चलो बे, मुझे और नहीं चाहिए। मैं 17 साल हिक्की के बिना रह चुका हूँ और भी रह लूंगा। लड़को चलो, आज चीयर लीडर्स को ज्यादा ही गुस्से में है। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से। बहुत हो गया डायना, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। लड़कियों इन बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखो, क्या इन्हें जरा भी शर्म है? हाँ बताओ ना, तुमने सुना मैक्स ने क्या कहा कि मुझे मेरी टांगों पर हिक्की देगा वो? इसकी तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। मैं खुद पे ही रहने दो। हाँ सही कहा लड़कियों, चलो चलते हैं। कोस्ते कोस्ते अपनी बेबी गर्ल के बारे में हमें बताओ ना। क्या बताऊँ मैं तुम्हें उसके बारे में? वो बहुत ही शानदार है। क्या कोस्तिया, क्या वो बहुत खूबसूरत है? फोटो में तो ज्यादा ब्लॉन्ड लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपने कलर बदल लिए। कम से कम हम बात कर सकते हैं। नहीं समझे। लेकिन क्यों? हम बस उसके दोस्त बनना चाहते हैं। ठीक है बात कर सकते हो, लेकिन ध्यान से, समझे? वो देखो तुम्हारी लड़कियाँ आ गई। क्या बात ये है पात्रे की? उस चीयर लीडर डायना के पास हिक्की है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक हिक्की दो, और वो भी बहुत अच्छा वाला। हाँ हम चीयर लीडर से किसी मामले में कम नहीं होना चाहते हैं। कुकु तो मुझे यहाँ पे हिक्की बना दो। मुझे यहाँ पर चाहिए। वैसे लड़कियों ये बहुत बुरी बात है, ऐसा मत करो। जाओ जाओ उसे दे दो। नहीं नहीं मैं तो नहीं देने वाला हूँ। मैं भी नहीं दूंगा। क्या तुम चाहती हो कि हमें दिक्कतें हो? लड़को प्लीज। लड़कियों ये बुरी तरकीब है, मत करो प्लीज। नहीं नहीं मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। ठीक है। वैसे सब कुछ किसी न किसी कारण से ही होता है, और अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे एक हिक्की चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम शानदार नहीं हैं। वैसे असल में लड़कियों तुम्हारे पास एक रास्ता है, खुद को ही हिक्की दे दो। नोबा ये अच्छी तरकीब है। लड़कियों रुक जाओ। नोबा तुम खुद को ही हिक्की दे जा रहे हैं। रुको रुको लड़कियों रुको। लड़कियों आखिरकार ये हिक्की गायब हो रहा है। तुमने सुना लूजर्स हमें उन्हें भी चाहिए हिक्की। हाँ ये क्या है, कैसे लोग हैं ये लोग? ओ लड़कियों इस कैंप में सब लोग अलग तरह के ही पागल हैं। तुम क्या सोच रही हो इस हिक्की के बारे में? क्या तुमने देखा गिगी को? वो कैसे चिल्ला रही थी मुझे भी चाहिए हिक्की। सबसे ज्यादा छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा चिल्लाती है वो। लड़कियों ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, खास करके उस स्माइली की वजह से। अगर उन्होंने ये सब नहीं देखा होता तो वो ऐसा नहीं करते, मेरा उदाहरण नहीं देते। ये कैसा हो रहा है? लड़कियों ये बहुत बुरी तरकीब है। नूपा शांत हो जाओ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। चीयरलीडर्स हेलो, और हमारे पास आईफोन के लिए चार्जर नहीं है। देखो लड़कियों तुम्हारे पास अपने चार्जर होने चाहिए। समझ नहीं आया। लड़कियों तुम सबको समझ आ रहा है, हमारे पास हिक्की है। हमारे बॉयफ्रेंड्स हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो चीयरलीडर्स हम तुमसे जरा भी कम नहीं। लड़कियों हिक्की सब कुछ नहीं होता, तुम्हारा क्या किया जाए? ओ तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? ठीक है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर रही हूँ अभी, ठीक है ना? चलो चलती हूँ। नहीं ऐसा मत करो। साबित कर दिया खुद को खुद के जैसा। क्या तुम्हारी तरफ से? पेरेंट्स को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने जूली को, और मैंने मार्शा को। लड़की तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि तुमने बस ऐसा किया है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर रही हूँ। दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे अब मैं निपटूंगी इन लड़कियों से। तो लड़कियों हम कल पूरे कैंप को साफ करने वाले हैं, समझ गए? तब तक जाओ जाकर अपने हिक्की को छुपाओ किसी भी तरह, ठीक है ना? हाँ बस, हाँ, बस अपने पेरेंट्स को कॉल मत करना। हाँ। ओह हिक्की शानदार है। तुमने ऐसा किया भी कैसे? हाँ इस तरह। बहुत मजा आ गया। स्माइल ये क्या है, ये तुमने क्या किया है बताओ मुझे? हाँ ये गलत है, ऐसा। ओह नहीं फिर से। लड़कियों सुनो, पहले हम लोग ये करेंगे। ओह नो।